हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे पिटूनिया के सीड्स लगाने की बात करूंगी। ये देखिए कितने छोटे छोटे सीड्स होते हैं, और पिटूनिया के सीड्स देखिए, ये पिटूनिया के सीड्स मैंने लिए हैं। ये मुझे 50 रुपीज़ के मिले हैं। देखिए, आपको दिख रहा है नीचे। और ये जो सीड्स होते हैं, ये थोड़े महंगे मिलते हैं पिटूनिया के, क्योंकि अगर आपको सस्ते मिल रहे हैं तो वो फिर अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे। ये इम्पोर्टेड सीड्स जो आते हैं, वो बड़ा पैकेट लाके फिर छोटे पैकेट्स के उनके बना के बेचते हैं लोग, तो ये थोड़े महंगे आते हैं। और अगर सस्ता मिल रहा है आपको 20 रुपये का पैकेट, तो उसके वो देसी वाले ऐसे अच्छे पिटूनिया नहीं होंगे उसमें। तो ये देखिए, ये कितने छोटे छोटे सीड्स होते हैं। और अब क्या है, रातें ठंडी होनी शुरू हो गई हैं, इसलिए मैं लगा रही हूँ। वैसे मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ दिवाली के बाद इसलिए कहती हूँ क्योंकि उसके बाद रातें ठंडी होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस बार दिवाली एक महीना लेट है, बीच में अधिक मास एक महीना आता है वो आ गया है, नहीं तो श्राद्धों के जस्ट बाद शुरू हो जाते हैं नवरात्रे, और उनके बाद दिवाली आ जाती है दशहरे के 20 दिन बाद। तो अब क्या हो गया, एक महीना डिले हो गया। तो अब आजकल जो मौसम है, मैंने देखा रातें ठंडी होनी शुरू हो गई हैं, तो ऐसे मौसम में अब आप बीज लगा सकते हैं। अभी लगा लें, एक हफ्ता ठहर के लगा लें, 10 दिन बाद लगा लें, मतलब अब इस पूरा महीना आप नवंबर तक लगा लें, और इवन दिवाली के बाद में भी आप लगाएंगे तो भी अच्छा है। लेकिन अभी आप शुरू करना चाहें तो अभी आप बीज लगाना शुरू कर सकते हैं। अब तो अगर रातें ठंडी होनी शुरू नहीं हुई हैं आपके वहाँ, तो फिर अभी अभी भी रुक सकते हैं आप। तो देखिए इसको लगाना कैसे है, अभी मैं आपको लगाना बता रही हूँ, आप 10 दिन बाद भी लगा सकते हैं, तो वो और भी अच्छा रहेगा। तो ये देखिए कितने छोटे छोटे सीड्स हैं, देखिए कितने छोटे हैं, कितने छोटे हैं, ये देखिए बहुत छोटे सीड्स हैं, है ना। तो ये देखिए इसके सीड्स कितने बारीक हैं। अब इतने बारीक सीड्स को हम इतनी मिट्टी पे, और इसके लिए जो मैंने मिट्टी ली है वो सिंपल मिट्टी है, इसमें कोई खाद नहीं है, नॉर्मल मिट्टी है। और हमारे यहाँ की मिट्टी जो है वो बड़ी पोरस होती है, और राजस्थान की मिट्टी आपको पता है बालू मिट्टी होती है, तो इसलिए मैंने सिर्फ मिट्टी ली है। अगर आपके यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा कुछ चिकनी या ऐसी है, तो आप उसमें थोड़ा सा कोकोपीट, बढ़िया वाला कोकोपीट, अच्छा उसको पहले पानी से धो लें अच्छी तरह, क्योंकि कई बार कोकोपीट में सॉल्ट्स होते हैं तो वो पौधे या बीज उससे मर जाते हैं। अच्छी तरह उसको वॉश कर लें और अपनी मिट्टी में वो मिला लें, आधा मिट्टी आधा कोकोपीट मिला लें। और जिनके यहाँ चिकनी मिट्टी है, जिनके यहाँ चिकनी मिट्टी नहीं है और वैसे हार्ड है थोड़ी, तो वो आधा मिट्टी और आधा ऐसे, ये बजरी ये होता है, देखिए ये जिसको आप लोग पूछते हैं ना रिवर सैंड क्या होता है, ये होती है रिवर सैंड, ये देखिए ये कंस्ट्रक्शन में काम आता है, ये देखिए ये कितनी फ्री फ्लोइंग है, देखिए ये इसलिए मिलाया जाता है, इसके पार्टिकल्स ऐसे होते हैं ना, ये पता कैसे बनती है, जब पानी पहाड़ों से होकर नदियों का पानी आता है ना, नदियाँ ज़्यादातर पहाड़ों में से ही निकलती हैं, ज़्यादातर क्या निकलती पहाड़ों में से हैं, तो क्या होता है कि वो ऊपर पहाड़ों के पत्थरों पे से जो उसका पानी बह बह के आता है ना, तो जो पत्थर होते हैं ना उनमें उनके पार्टिकल्स स्टोन्स के निकल निकल के ये वो वाले पार्टिकल्स हैं, तो इसलिए ये देखिए कितनी फ्री फ्लोइंग होती है ये। इसमें आप कितना ही पानी डालो ये बाइंड नहीं होती है, सूखने के बाद फिर ऐसी हो जाती है, क्योंकि ये स्टोन के पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं, माइन्यूट बिल्कुल, है ना। तो क्या करेंगे, ये कितनी फ्री फ्लोइंग है। तो अब हम इसको, इतने से बीज हैं, इसको इस मिट्टी पे कैसे फैलाएं, है ना। तो ये मैं आपको पहले, शायद मेरे को अब याद नहीं है जो मैंने लाइन बोली है, कि आधी ये और आधी मिट्टी मिला लें आप, अगर चिकनी मिट्टी नहीं है आपके एरिया की। अगर चिकनी मिट्टी है तो उसमें कोकोपीट मिलेगी, चिकनी मिट्टी नहीं है और वैसे हार्ड है तो आधी इसमें सैंड मिला सकते हैं। हमारे यहाँ की मिट्टी सैंड जैसी है, थोड़ी थोड़ी बालू मिट्टी होती है, राजस्थान में बंधी हुई मिट्टी नहीं होती है, तो इसलिए मैंने खाली मिट्टी ली है। और अब मैं क्या करूँगी कि ये सीड्स को मैं कैसे फैलाऊँ। कोई भी चीज़ के सीड्स अगर बहुत माइन्यूट होते हैं तो उसमें देखिए, अब ये थोड़ी सी सैंड मिलाऊंगी मैं, ये देखिए सैंड मिला के और इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। सैंड मिला के मिक्स करने से क्या होगा,
जैसे मैंने आपको कहा कि सैंड फ्री फ्लोइंग होती है, तो एक तो हम इसको फ्रीली ये फैल जाएगा चारों में, और दूसरा इन बीजों के बीच में जो है वो हमने इतनी में ये मिलाया, तो क्या हो गया, सैंड और बीज मिक्स हो गए, तो बीज जो है वो दूर दूर हो गए थोड़े, है ना, सैंड के बीच में मिक्स हैं सीड, तो दूर, जैसे हम दाल और चावल मिलाएं तो दाल के पार्टिकल्स के बीच में चावल आ जाते हैं, तो दाल के पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, मतलब दाने, वैसे ही इस सीड जो है ये दूर दूर हो गए अब ये रेत मिलाने से, और इसको अब हम क्या करेंगे ऐसे, और वैसे अगर इतने से सीड थे तो हम उसको गिराते तो वो एक ही जगह गिर जाते, ऐसे फैलते नहीं है, देखिए इसको अब मैं अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूंगी, ये देखिए अभी अच्छी तरह से, थोड़ा सा और कहीं लगे एक जगह गिरा हुआ है उसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिए। अब ये जो इतने बारीक सीड्स होते हैं, एक थोड़ी सी इनके ऊपर रेत और फेंक देती हूँ मैं, ये रेत क्या, ये जिसको रिवर सैंड कहते हैं, और इस रिवर सैंड को आप छान लें तो और भी अच्छा है, उससे क्या है इसमें एयर आ जाती है, और जो आटा छानने टाइप की कोई छन्नी हो उससे छान लेंगे तो इसमें एयर भी आ जाती है तो और भी अच्छा रहता है। ये देखिए इसको मैंने थोड़ी सी और रेत फेंक दी, ज़्यादा नहीं, अब इसको थोड़ा थोड़ा दबा देंगे, तो जो ज़्यादा बारीक सीड्स होते हैं बस उनको हम ऐसे इसको प्रेस करेंगे तो ये अपने आप मिट्टी में धस जाएंगे। ये देखिए इनको मैंने ऐसे ही प्रेस कर दिया, ये देखिए इनके ऊपर हमें मिट्टी की लेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर अगर मिट्टी की लेयर बनाएंगे हम तो ये उस लेयर में दब जाएंगे। अब हमने ये जो इनको दबाया है ना तो ये अपने आप ही दब गए मिट्टी के अंदर, बस वो दबना जो था इनके लिए वो ही सफिशियंट है, इनके ऊपर लेयर नहीं बनानी है, लेयर थोड़े से बड़े सीड्स के ऊपर, तो आप किसी भी चीज़ के सीड्स अगर बारीक हैं तो उसको ऐसे करेंगे। और एक चीज़ मैं बताना आपको शायद भूल गई कि ये जो मिट्टी गमले में हम लेंगे उसको ऑलरेडी पहले पानी दे देंगे, पहले गमले में मिट्टी डालें आप और उसको अच्छी तरह से पानी दे दें और उसके बाद सीड्स लगाएंगे। अब क्या है, ये मिट्टी पूरी गमले की मिट्टी यहाँ, ये देखिए ये नीचे तक सारी मिट्टी जो है वो गीली है, मॉइस्ट है ना, तो आपका ये जो सीड है ये पानी बाद में देंगे तो बाद में अब हम पानी देंगे तो देखिए ऐसे स्प्रे से दे रही हूँ मैं ये बस, और अब ये स्प्रे वाला पानी नीचे तक तो जा नहीं सकता है ना, तो नीचे हमने ऑलरेडी दे रखा है और अब हम जो पानी दे रहे हैं वो इसको सिर्फ ऐसे ऐसे स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है, और स्प्रे करने के बाद एक बार थोड़ा सा और इसको मैं बस प्रेस हो गए हैं वैसे तो, और बहुत ज़्यादा भी प्रेस करेंगे तो ये ज़्यादा नीचे चले जाएंगे, वो भी फिर जर्मिनेट नहीं होंगे। ये देखिए ऐसे मैंने अब दे दिया, अब आप एक काम कर सकते हैं कि रोज जो है इनको ऐसी स्प्रे बॉटल से, ये देखिए ऐसी स्प्रे बॉटल से आप रोज इनको यहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं, और इस वाले पॉट को आप किसी भी ठंडी जगह में गमलों के बीच में रख दें जब तक कि ये स्प्राउट नहीं होते, दो चार दिन लग सकते हैं स्प्राउट आने में, तब तक इनको ठंडी जगह में आप रख दें गमलों के बीच में जहाँ मॉइस्चर सा भी रहे पौधों का। और एक काम कर सकते हैं आप, या तो इसको किसी बड़ा जो आपका कोई गमला है उसके बीच में रख दें, क्योंकि ये हमने छोटा गमला लिया है देखिए, तो या फिर इसके क्या करिए इसके नीचे कोई प्लेट रख दीजिए, प्लेट या ट्रे रख के ऐसे इस गमले को उसके बीच में रख दीजिए ऐसे, ताकि एक दो दिन में जब आपको लगे कि पानी देने की ज़रूरत है तो आप एक या दो दिन बाद आप उस ट्रे में थोड़ा सा पानी दे दें, तो वो जो पानी आप ट्रे में देंगे वो ऊपर तक आ जाएगा, ऐसे पानी की टेंडेंसी होती है मिट्टी उसको चूस लेगी और वो ऊपर तक आ जाएगा। हमें ऊपर से खुला पानी नहीं देना है अभी इन सीड्स को जब तक कि ये अच्छी तरह से सीडलिंग्स इतने बड़े बड़े नहीं हो जाते, तो तब तक हमें पानी इसको किसी ट्रे में रख देंगे, जैसे बॉटम ट्रे होती है ना लेते हैं, या आपके पास कोई बॉटम ट्रे नहीं है तो किचन में से कोई प्लेट ले लें जो थोड़ी गहरी हो और उसके बीच में ऐसे इसको रख दें, और एक आधा दिन बाद एक दिन बाद थोड़ा थोड़ा, या आप देना चाहते हैं रोज थोड़ा सा पानी तो उस ट्रे में दें,
इसके ऊपर पानी नहीं देना है अभी, इसके ऊपर में क्या करना है बस आप इस पे थोड़ा सा ऐसे स्प्रे कर दिया करें एक दिन छोड़ के ऐसे, या आपको सूखी लगती है जब मिट्टी तो या ऐसे ऊपर से इसको स्प्रे कर दें। मेरे इस बॉटल में कम है पानी तो ये ऐसे हो नहीं रहा है, तो ऊपर से आप इसको स्प्रे करेंगे और पानी नीचे से देंगे। फिर जब पौधे इतने बड़े बड़े हो जाएंगे हमारे, इतने बड़े बड़े एक एक डेढ़ डेढ़ इंच के, फिर हम इसमें पानी दे सकते हैं। तब तक आप पानी नीचे से दें और बस खा इसको रखें आप छाया वाली जगह पर। जब इसमें से छोटे छोटे पौधे निकल आए, इतने इतने पौधे निकल आए, जब इसमें से स्प्राउट निकल आए, तो उसके बाद इसको ऐसी जगह रख दें जहाँ सुबह सुबह की हल्की सी धूप मिले इसको और बाकी दिन अच्छी ब्राइट लाइट मिले। अगर ऐसी जगह नहीं रखेंगे तो आपके वो पौधे लैगी हो जाएंगे, लंबे लंबे हो जाएंगे एक्स्ट्रा ही और गिरने शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद इसको हल्की सी धूप मिलनी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।